ये सिर्फ रिवीजन के लिए है टॉपिक, इसके अंदर ये रिवाइज करवा रहा है कि हमने पिछले महीने क्या किया था, पिछले चैप्टर में क्या किया, क्योंकि इस चैप्टर में ये यूज होने वाला है और आज के लेक्चर में भी यूज होगा। हमने ये किया था कि अगर बायट सर्वेट लॉ से करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर बी की डायरेक्शन क्या है, तो आप थंब को करंट के साथ लेते हैं और बी वेक्टर कैसे है बोर्ड के इन साइड, आप राइट हैंड यूज करते हैं अपना। फिर अगर मान लो ये लूप है, अगर करंट ऐसे घूम रहा है और आपको बी वेक्टर यहाँ पूछा जाए, तो आप राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे घुमाते हैं, बी वेक्टर कैसे है बोर्ड के इन साइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बी वेक्टर कैसे निकालना है ये समझ में आ रहा है सबको, ये आज के लेक्चर में यूज करने वाले हैं।